हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडीज टॉक। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल केसर बर्फ़ी। इस बर्फ़ी में हम खोए का यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे, क्योंकि हर जगह खोया अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन मिल्क पाउडर हर जगह मिल जाता है। और बर्फ़ी को मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, आप देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हवन दस्ते में थोड़ी सी चीनी डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से केसर या ज़ाफ़रान या सैफ्रॉन के धागे, और हम इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो केसर को थोड़े से दूध में 3-4 घंटे के लिए भिगा कर रख दें, लेकिन अगर आप इस तरह से केसर को चीनी के साथ पीस लेंगे तो बहुत बढ़िया पीला कलर आएगा और एकदम से आ जाएगा। ज़्यादा देर तक के लिए आपको इसको भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, केसर को मैंने पीस लिया है चीनी के साथ। अब इसको हम एक बोल में निकालेंगे, और बोल में मैंने 2 टेबलस्पून दूध पहले से ही डाल रखा है, और अब मैं इसको मिक्स करूंगी और आप देखेंगे एकदम से कितना बढ़िया पीला कलर दूध में आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सैफ्रॉन जो है वो हमने पीस लिया था। तो आप देख सकते हैं सैफ्रॉन दूध में कितने अच्छे से घुल गया है और बहुत बढ़िया पीला कलर इसने दूध में रिलीज़ कर दिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और एक बेकिंग डिश में पार्चमेंट पेपर लगाएंगे, इसमें हम बर्फ़ी को जमाएंगे। अगर आपके पास बेकिंग डिश नहीं है या पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, कोई भी चौकोर डिश ले लें और उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दें ताकि बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। तो अब हमारी सारी तैयारियां हो गई, अब हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो एक पॉट में डालेंगे फुल फैट मिल्क, और स्टोव को अभी मैंने ऑन नहीं किया है। पहले सारी चीज़ें हम अच्छे से मिलाएंगे और फिर स्टोव को ऑन करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर फुल फैट यूज़ करिएगा तो बर्फ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब मिल्क पाउडर को दूध में बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो मिल्क पाउडर को मैंने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब स्टोव को हम मीडियम हीट पर ऑन करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो इसको पकाते हुए मुझे अभी 1 मिनट हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के देसी घी। अब इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा नहीं हो जाता। बेसिकली हमें इसका खोया बनाना है, और इसको आपको लगातार चलाना है क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो पॉट में बहुत जल्दी चिपकता है। तो अब आप देख सकते हैं ये मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है और पॉट को इसने साइड से छोड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरह से खोए की कंसिस्टेंसी होती है, सेम वैसे ये मिक्सचर दिख रहा है। तो खोया हमारा तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे नारियल। मैंने इस रेसिपी में फ्रेश नारियल का यूज़ किया है। आप चाहें तो जो ड्राई नारियल यानी कि जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। अब इसको हम मिलाएंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको मीडियम हीट पर भूनेंगे। तो इसको भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, और चीनी डालने के बाद में ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला होगा तो हम इसको 4-5 मिनट के लिए और भून लेंगे। तो बर्फ़ी जमाने के लिए ये मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, और जो आधा पोर्शन है वो मैं ट्रे में डाल दूंगी जिसमें हमें बर्फ़ी को जमाना है, और बर्फ़ी की दूसरी लेयर के लिए ये जो बचा हुआ मिक्सचर है इसमें हम केसर वाला दूध डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये जो हमने दूध इसमें एक्स्ट्रा डाला है केसर वाला ये ड्राई नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पीला कलर आया है, जो हमने केसर को चीनी के साथ पीसा था उसकी वजह से इतना बढ़िया येलो कलर आया है। तो बर्फ़ी की दूसरी लेयर का मिक्सचर भी हमारा तैयार है। अब हम स्टोव को ऑफ करेंगे और जो बर्फ़ी की पहली लेयर है उसको हम स्पून से फ्लैट कर लेंगे और इसको हम लेवल कर देंगे। और अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर स्पून में चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी स्पून में लगा लीजिए और इसको लेवल कर दीजिए। तो इसको मैंने अच्छे से लेवल कर लिया। अब इसके ऊपर हम बर्फ़ी की दूसरी लेयर लगाएंगे और इसको भी हम स्पून से लेवल कर लेंगे। तो बर्फ़ी को मैंने ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम और इसको हाथ से या स्पैचुला से प्रेस करके चिपका दें। और अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर हम इसके पीसेस काटेंगे। तो बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब नाइफ से इसको साइड से लूज़ करेंगे और बर्फ़ी को टिन से निकाल लेंगे। अब इसके क्लीन पीसेस निकले इसलिए मैं साइड से इसको थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ। अब बर्फ़ी को आप जितने भी बड़े या छोटे पीसेस में काटना चाहें आप काट लें। तो नारियल केसर बर्फ़ी हमारी तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए।
तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी बनी है उसको ज़रूर दबाइएगा। उसको दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।